नमस्ते दोस्तों, ज्ञानवेद चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सबसे बढ़िया तीन ऐसे लार्ज कैप फंड कौन से हैं जिसने रिटर्न तो बढ़िया दिया ही है, पर पिछले 10 सालों में किसी भी इन्वेस्टर्स को इसने नाराज नहीं किया और अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि अगर कोई नए सब्सक्राइबर्स है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम जो देख रहे थे, जैसे हमने ये तीन फंड्स चूज किए हैं उसमें हमने देखा है उनके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स भी। उसके बाद हमने उसकी SIP का भी रिटर्न देखा है, तो डिटेल में वीडियो देखिए दोस्तों, उसके बाद ही आपको समझ आएगा हमने कंपेरिजन कैसे किया है। जैसे हम देखते हैं कि लार्ज कैप फंड, तो हमें एक हाथी जैसा आइकॉन या सुमो जैसा फंड दिखता है। क्यों? उसके कुछ रीजन है, क्योंकि ये फंड जो होते हैं वो काफी टफ होते हैं, इनको गिराना इतना इजी भी नहीं होता है। होता क्या है इस फंड में कि फंड मैनेजर जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा रकम लार्ज कैप या बड़ी साइज की कंपनी में लगाते हैं। कैसी बड़ी कंपनीज? जैसे देखिए कि मार्केट की सबसे बड़ी 100 कंपनियों में। उसके अलावा फंड मैनेजर उसमें से कुछ अमाउंट मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लगा सकते हैं। जब हम तुलना करेंगे तो लार्ज कैप में निवेश के फायदे कैसे हो सकते हैं? इसमें कम जोखिम होती है मिड कैप और स्मॉल कैप से, इसमें कम वोलाटाइलिटी या अस्थिरता देखने को मिलती है और इसके रिटर्न जो होते हैं मोस्टली स्टेबल होते हैं लॉन्ग टर्म में, जो बुल और बियर मार्केट को भी काफी अच्छी तरीके से टैकल करता है। लार्ज कैप फंड है किसके लिए? अगर आप दीर्घ अवधि या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आपकी अगर वोलाटाइलिटी का सामना करने की कैपेसिटी अच्छी है तो आप इस फंड को चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप महंगाई रिटर्न या इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा रिटर्न कमाना है तो इस फंड में आप निवेश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको शेयर बाजार का डिटेल ज्ञान नहीं है और तो आप अपने पैसे फंड मैनेजर को देख के अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप छोटे निवेशक हैं तो आप भी इसका फायदा। अब देखते हैं हमने टॉप 3 फंड्स कैसे निकाले हैं। तो ऐसी कंपनी स्कीम्स हमने चूज की है जो कम से कम 10 साल से मार्केट में है। उसके बाद उसके 10 साल के रिटर्न देखे, 5 साल के रिटर्न कंपेयर किए, 3 साल के रिटर्न भी देखे, इवन 2 और 1 साल के रिटर्न्स भी हमने कंपेयर किए हैं। अब इन रिटर्न्स के अलावा हमने ये भी देखा है कि 10 साल में किसने अच्छा SIP का रिटर्न दिया है, उसके बाद उनकी क्रिसिल रैंकिंग कैसी है, उसके बाद उसका एक्सपेंस रेशियो कैसे है। जब हमने देखा कि काफी सारे फंड मार्केट में है और हमने जो मापदंड लगाए हैं उसमें से कुछ शॉर्टलिस्टेड बनाया, तो हमें मिला कि ऑलमोस्ट 12 फंड्स हमको मिले हैं जो जिसमें से हमें फाइनल 3 चूज करना है। तो मार्केट में एक्सिस ब्लू चिप फंड है, BNP पारिबास है, कैनरा रोबेको है, एडलविस फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया का भी फंड है, IDBI का टॉप 100 फंड है, कोटक ब्लू चिप है, उसके बाद मेरा असेट है, निप्पॉन इंडिया है, SBI ब्लू चिप, टाटा लार्ज कैप और UTI मास्टर चिप। इसमें से हमने निकाले हैं टॉप 3 फंड्स। अब इन 12 फंड्स में से हमने जब कंपेयर किया तो हमें 3 टॉप कंटेस्टेंट मिले। तो देखते हैं कौन से है वो 3। कैनरा रोबेको है, कोटक ब्लू चिप है और मीरा असेट्स। बट हमने ये नहीं अभी तक बताया कि इसमें से फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है और थर्ड नंबर पे कौन सा है। टॉप फंड देखने के लिए हमने देखा कि उनके मंथली चार्ट्स में 1 ईयर, 6 मंथ्स ऐसे भी चार्ट्स के कंपैरिजन किए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि देखते हैं कि पिछले 1 महीने में किसका परफॉर्मेंस अच्छा था, हमने ये भी कंपेयर किया इन तीनों फंड का परफॉर्मेंस Nifty 50 के साथ। तो देखते हैं कि इन ये तीनों जो फंड है Nifty 50 से अच्छा ही परफॉर्म किया है लास्ट 1 महीने में। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरा असेट नंबर 1 पे है। जब हम 6 महीने की बात करते हैं तो यहाँ भी ये 3 फंड Nifty 50 से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर यहाँ पे विनर अलग है, यहाँ पे है कोटक। जब हम 1 साल का चार्ट कंपेयर कर रहे हैं तो हमने देखा कि कंपटीशन थोड़ा सा टफ है। इसमें भी सभी तीनों फंड्स ने Nifty 50 से अच्छा गेन दिया है, पर यहाँ पे कोटक ब्लू चिप फंड जो है वो पहले नंबर पे है। पर जैसे वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें 1 महीने, 6 महीने या 1 साल के परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करना है, हमें लॉन्ग टर्म का भी परफॉर्मेंस देखना चाहिए किसी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 साल का चार्ट हमने जब कंपेयर किया तो डिफरेंस थोड़ा सा अच्छा खासा लग रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे भी देखा कि सारे तीनों फंड्स ने निफ्टी 50 से अच्छे ही गेन दिए हैं, पर पहले नंबर पे यहाँ पे विनर चेंज हो गया, तो कैनरा रोबेको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। अब हम देखते हैं इनकी कंसोलिडेटेड बेस से कंपैरिजन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी क्रिसिल रैंकिंग कितने हैं, इसके असेट्स कितने हैं, फिर 1, 2, 3, 5, 10 साल के परफॉर्मेंस भी यहाँ पे दिए हैं। ये जो परसेंटेज दिया है ये अप्रोक्सीमेट है, तो मतलब हमने 2 डिजिट नंबर में नहीं दिया है यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो मेरा असेट जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, 2 साल पे देखा तो कैनरा रोबेको आता है, ये रैंकिंग चेंज हो रही है। मगर जब हम 10 साल का देखेंगे तो मेरा असेट यहाँ पे नंबर 1 दिख रहा है। मगर सिर्फ अब्सोल्यूट रिटर्न अच्छे दिए इसका मतलब फंड अच्छा हो गया तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आपको देखना है कि SIP रिटर्न भी किसके अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने ऐसे दिया कि आपने हर महीने 100 रुपये दिए हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 12,000 का। तो सबसे ज्यादा रिटर्न यहाँ पे मिले हैं मेरा एसेट लार्ज कैप। हमने पहले आपको ये भी बताया कि हमने इनके एक्सपेंस रेशियोज भी कंपेयर किए हैं, तो देखते हैं कि इसके किसके एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट फंड में अगर देखें तो कैनरा रोबे का जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे कम है, और उसके बाद रेगुलर का देखा तो मेरा एसेट का सबसे कम है। बट एक चीज नोट कर लो दोस्तों कि सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इसका मतलब ये नहीं कि सबसे अच्छा फंड। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो प्लस एक्सपेंस टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा है। वीडियो और भी आगे है दोस्तों, पर यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि हमने इसकी रैंकिंग कैसे लगाई। तो देखते हैं, थर्ड पोजीशन पे आता है कोटक ब्लू चिप फंड, उसके बाद में कैनरा रोबेको को सेकंड मिली, और फर्स्ट पोजीशन पे आया मेरा एसेट। मगर अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमारी जोखिम कैपेबिलिटी कितनी है, उसके बाद हमने किसी विशेषज्ञ की या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ली है क्या, उसके बाद अगर हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे डालने की क्षमता है तो हम इसमें SIP कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास अभी ढेर सारे पैसे हैं तो अभी एक साथ लार्ज कैप में लगाने से बेटर है कि आप उसको डेट फंड में डाल सकते हो, और स्लोली उसको STP में कुछ 18 से 24 महीने के बीच में आप उसको STP कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप कि इस निवेश को आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, जैसे कि एक टाइप के फंड में लगाने से बेटर है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड, या फिर एक टाइप में भी लगाना है तो एक टाइप के मल्टीपल फंड्स भी आप चूज कर सकते हो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको कि लंबे समय तक मार्केट में निवेश किया तो इसका रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। दोस्तों, हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। धन्यवाद।